अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज। ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। आज 6 दिसंबर को मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन कलवा मुमरा विधानसभा के यूथ अध्यक्ष सैफ पठान के कार्यालय पर बाबरी मस्जिद की शहादत के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद जो दंगे हुए थे और जिनमें हज़ारों की संख्या में मुसलमान शहीद हुए थे, उनकी रूह को एसाले सबा पहुंचाने के लिए कुरान खानी का आयोजन किया गया तथा मुसलमानों और देश की सलामती के लिए दुआएं मांगी गई। आइए जानते हैं इस मौके पर सैफ पठान का क्या कहना है। इस वक्त हमारे साथ एमआईएम के कलवा मुमरा यूथ अध्यक्ष सैफ पठान, आइए उनसे जानते हैं। सैफ, आज ये जो 6 दिसंबर के दिन आपने जो बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उसमें जो उसके बाद जो दंगे भड़के थे, उसमें हज़ारों लोग उस दंगे में शहीद हुए थे, उनकी रूह को ऐसा ही सवाब पहुँचाने के लिए आपने जो कुरान खानी का यहाँ पे आयोजन किया, दुआओं का एहतमाम किया, आप हमारे चैनल के जरिए लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश की जनता को, यहाँ के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज बाबरी मस्जिद की शहादत होकर के 26 साल हो गए पूरे, और जैसे कि आप जानते हो कि 6 दिसंबर एक हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूंसी में ब्लैक डे माना जाता है, ये हमारे मुसलमानों के लिए एक ब्लैक डे माना जाता है, और आज के दिन ही बाबरी मस्जिद की शहादत के साथ ही बहुत से लाखों की तादाद में बेगुनाहों की भी यानी शहादत हुई थी। हम लोग उनके लिए यहाँ पर उनके इशारे सवाब के लिए कुरान खानी करते हैं, बाबरी मस्जिद वापस से वहाँ तामीर हो इसलिए हम दुआएं करते हैं, गली गली में आजान देते हैं इस दर्दनाक हमले को याद करके। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को इस देश के कानून पे, संविधान पे पूरा भरोसा है। जैसे आज 26 सालों के हमको ये पूरी उम्मीद है यहाँ पर हमारी बाबरी मस्जिद थी, इंशाल्लाह ताला वहीं तामीर होगी, इसलिए हम लोगों को जो है एकदम यानी इस पर भरोसा रख करके यानी इस देश के कानून पे बैठे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो लोग इसमें मरे हैं उनको भी इंसाफ मिलेगा, जो इसके गुनहगार हैं उनको इंशाल्लाह ताला सज़ा भी होगी, हमको इस देश के कानून पे पूरा भरोसा। दोस्तों, तो इसी तरह से हम समाज की अच्छी बुरी खबरों की सच्चाई आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़।